सुबह सुबह नागपुर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में बारिश चालू हो गया था। फिर हम लोग झोपड़ी में रुक जाते हैं, पानी रुकने का वेट करते हैं। पानी रुकने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और काफी दूर आगे आने के बाद गरम गरम सुबह का नाश्ता करते हैं, पोहा, क्योंकि सुबह सुबह घर से निकले थे, काफी ज्यादा भूख भी लग रहा था। फिर नाश्ता करके निकले, लेकिन पानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए हम लोग रास्ते के बगल में पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। पानी रुकने के बाद काफी दूर आगे आ जाते हैं और बाइक को रेस्ट देते हैं। फिर यहाँ से पहुँच जाते हैं भंडारा में, और यहाँ पर रास्ते के बगल में चश्मा का दुकान लगा था। फिर मैंने यहाँ से एक चश्मा ट्राई किया। ये चश्मा कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना, और ये चश्मा फाइनली खरीद लिया। भंडारा से नागपुर की ओर निकले थे, लेकिन इधर भी काफी ज्यादा बारिश हो रहा था। पानी में भीगते भीगते हम लोग पुलिया के नीचे रुक गए थे, और इस पुलिया के नीचे पानी से बचने के लिए काफी ज्यादा लोग आ रहे थे, और इस पुलिया के नीचे काफी ज्यादा पानी भर गया था। पानी रुकने के बाद यहाँ से लोग जाने लगे। फिर हम लोग भी यहाँ से नागपुर की ओर यहाँ से निकले ही थे, लेकिन नागपुर पहुँचने से पहले पानी ने फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया, और हम लोग पानी से बचने के लिए चिकन की दुकान में रुक गए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश का सीजन चालू है। गांव गए थे बारिश में भीगते भीगते, आ रहे हैं बारिश में भीगते भीगते। आज के दिन काफी ज्यादा पानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर फाइनली पहुंच जाते हैं नागपुर में। यहाँ पर गन्ने का ठंडे ठंडे जूस पीते हैं, और यहीं पे मिनी ब्लॉग को समाप्त करते हैं। ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए लाइक कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।